हूँ संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर जो कि दमोह जिले के वैक्सीन सेंटर से आ रही है। तमाम वैक्सीन सेंटर पर काफी भीड़ देखी जा रही है, लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है, लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो स्थिति और भी खराब है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य केंद्र पर लाइन लगाए हुए खड़े हैं, काफी भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हैं बिना मास्क लगाए लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लग जाए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रामीण अंचल में तत्काल वेरिफिकेशन करने के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इतना अधिक विवाद हो गया जिसके चलते दरवाजे बंद कर लिए गए और कह दिया गया जब तक पुलिस नहीं आती तब तक वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। रोण वनवार का ये केंद्र है जहाँ पर इस तरह के हालात बने हैं। हिनौता में भी विवाद हुआ है, इसके अलावा दमोह जिले के अन्य कई वैक्सीन सेंटर पर अब तक विवाद की खबरें आ चुकी हैं। कई स्थानों पर वैक्सीन लगाना बंद कर दिया गया है, पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस मौके पर पहुंचेगी तब जाकर वैक्सीन लग पाएगा, क्योंकि काफ़ी कम अमला वैक्सीन सेंटर पर है और काफ़ी अधिक लोगों की भीड़ वैक्सीन सेंटर पर पहुंच गई है। रोण बनवार की ये तस्वीरें हैं। दमोह जिले के अनेक केंद्रों पर यही हाल है। दमोह के विवेकानंद नगर में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, लोगों के द्वारा स्लॉट बुक किए गए थे, बावजूद इसके उन्हें वैक्सीन नहीं लग पा रही है, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन वैक्सीन नहीं होता जिसके चलते और भी अधिक लोगों को परेशानियां हो रही हैं। किस तरह से लोग परेशान हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है लेकिन वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन को लेकर बार बार नई नई रणनीति बनाई जा रही है, बावजूद इसके जिस तरह से भीड़ हो रही है तमाम तरह की जो रणनीतियाँ रहती हैं फेल हो जाती हैं, काफ़ी अधिक लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार लगातार हुआ जिसके चलते अब लोग जागरूक हो चले हैं, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, COVID-19 की जो लहर उनके द्वारा देखी गई है उससे बचना चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अगर वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी ग्राम पंचायतें कोविड से बच जाएंगी। 100% वैक्सीन होने के बाद आम आदमी भी काफ़ी राहत महसूस करेगा, वहीं आगामी समय में लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटरों पर अगर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होगी तो काफ़ी दिक्कत परेशानी भी हो सकती है। आज भी लगातार विवाद सामने आ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद स्टाफ भी लगातार घबरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना घट जाए, जिसके चलते उससे भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। हजारों की संख्या है वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंचे हैं, लेकिन मौके पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है, अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया।